लोग ये समझते हैं कि दिमाग की प्रॉब्लम होना बहुत शर्म की बात है, बॉडी की प्रॉब्लम वो नॉर्मल है, सबको बता सकते हैं, हे गाइस आई एम इन द हॉस्पिटल, मुझे किडनी फेलियर, यू नो, लंग इन्फेक्शन, जॉन्डिस, लेकिन दिमाग की प्रॉब्लम हो तो सारी की सारी फैमिली एकदम। जी हाँ, मेंटल इलनेस भी सभी प्रॉब्लम्स की तरह है, जैसे कि अगर आपके दांत में दर्द है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, और अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। उसी तरह अगर आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। सो बी ओपन अबाउट इट। हेलो, मेरा नाम है दीप्ति और आज की हमारी मूवी है डियर जिंदगी। और ये एक मूवी नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है, क्योंकि इस मूवी में है बहुत सारी हीलिंग वैल्यूज, जिनमें से कुछ है लाइफ इज अ गेम, एंजॉय इट, योर पास्ट डिसाइड योर फ्यूचर, ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, एवरीथिंग कैन बी रिसाइकल्ड, फिर चाहे वो चीजें हो या फिर लोग। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है तो हम बात करेंगे कुछ ही हीलिंग वैल्यूज की, जिसमें से पहली है फॉरगिव एंड फॉरगेट, दूसरी टू क्राई इज कम्प्लीटली ओके एंड फुल्ली एक्सप्रेस योर ग्रीफ, तीसरी इट्स ओके टू चूज अ इजी पाथ, चौथी टू हैव मोर देन वन रिलेशनशिप इज कम्प्लीटली ओके। तो अब आते हैं स्टोरी पर। तो ये है स्टोरी कायरा की उर्फ कुकू की, जो कि है एक प्रॉमिसिंग सिनेमेटोग्राफर, मतलब कि एक कैमरा वुमेन, और वो बनाना चाहती है अपनी खुद की एक फिल्म। अब हमारी जो कायरा है उसको रघुवेंद्र बहुत पसंद है, लेकिन वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है रघुवेंद्र की वजह से। वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड बहुत बिजी था और कायरा के लिए उसके पास थोड़ा बहुत ही टाइम था, और रघुवेंद्र भी कायरा को करता था बहुत पसंद, लेकिन कायरा को एक नए रिलेशनशिप की अभी कोई खास जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने रघुवेंद्र के प्रपोजल का जवाब इंस्टेंटली नहीं दिया, और इसी वजह से रघुवेंद्र ने कर ली किसी और से एंगेजमेंट। लेकिन जब कायरा को ये सब पता चला तो वो हो गई बहुत हर्ट, और ऊपर से उसके लैंडलॉर्ड ने भी उसको फ्लैट खाली करने के लिए बोला, क्योंकि वो थी एक सिंगल लड़की और उनकी सोसाइटी ने डिसाइड किया था कि अब सोसाइटी में सिर्फ रहेंगे मैरिड कपल या फिर फैमिली, कुछ भी यार। फिर कायरा गई गोवा, जहाँ रहते थे उसके पेरेंट्स, लेकिन कायरा को अपने पेरेंट्स से थी बहुत नाराजगी, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसके पेरेंट्स उसको उसके नाना नानी के पास छोड़ के चले गए थे बहुत दूर। अब उसकी लाइफ में जो भी ये सब कुछ चल रहा था उसकी वजह से वो हो गई बहुत परेशान, और उसकी रातों की नींद उड़ गई। इसीलिए वो गई डॉक्टर जहांगीर के पास, जो कि थे एक साइकोलॉजिस्ट, और उसने डॉक्टर जहांगीर को वो सब कुछ बताया जो भी उसकी लाइफ में चल रहा था, फिर वो चाहे पेरेंट्स के एंड से हो या फिर उसके रिलेशनशिप के एंड से हो। डॉक्टर जहांगीर ने उसे हेल्प किया टू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स के साथ जो भी इश्यूज थे और उसकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज थे उनको समझ पाई और उनको ठीक कर पाई। फाइनली जब वो अपने इश्यूज रिसॉल्व कर पाई तो फिर उसने टोटली फोकस किया अपने करियर की तरफ, और वो फाइनली अपनी खुद की एक मूवी बना पाई, और इसी के साथ मूवी हो गई खत्म। तो अब बात करते हैं हीलिंग वैल्यूज की, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या आपको अपने पेरेंट्स की कोई बात कभी बुरी लगी है? दूसरा सवाल, क्या आपने कभी उसके बारे में उनसे बात की है? और अगर अब तक नहीं करी है तो आज ही जरूर करिएगा। तो बात करते हैं पहली हीलिंग वैल्यू की, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया होता है, और वो चीज़ हम सालों तक अपने दिल में दबा के बैठे रहते हैं। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि इससे उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है सिर्फ आपका, क्योंकि कुछ भी दिल में दबा के रखना आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो अब अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी में कायरा को अपने पेरेंट्स पे था बहुत गुस्सा, क्योंकि वो उसे छोड़ के चले गए थे बहुत दूर, और उसके बाद क्या हुआ? मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपने माँ बाप को माफ कर दो या उनसे नाराज मत हो, यू डू एज यू विश, पर ये जरूर कहूंगा कि अपने पेरेंट्स को एक बार माँ बाप के ऊंचे दर्जे से नीचे लाकर आम लोगों की तरह देखने की कोशिश जरूर करो। यू नो, वो आम लोग जो सबकी तरह गलतियां करते हैं, लाइक यू एंड आई एंड
जी हाँ, पेरेंट्स भी इंसान ही होते हैं और उनसे भी कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, और जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये चीज हर एक रिलेशनशिप के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि फॉरगिव एंड फॉरगेट इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारा नेक्स्ट हीलिंग पॉइंट है, टू क्राई इज कम्प्लीटली ओके एंड फुली एक्सप्रेस योर ग्रीफ। और ये हमारे पहले हीलिंग पॉइंट से है बहुत ही लिंक्ड। देखे, छोटी उम्मीद नहीं दे सकते। सच तो ये है कि हम उसे अपने पास नहीं रख सकते जब तक बिजनेस सेटल नहीं हो जाए। बहुत मुश्किल होता है दो बच्चों को संभालना। तुम अगर खुल के रो नहीं सकोगे तो खुलकर हंस कैसे सकोगे? सेफ फील करने के लिए पहले सारे डर मिटाना जरूरी है। छोड़ दिए जाने का, अकेले रह जाने का डर। तुम सारी जिंदगी इस डर को साथ लिए जी रही, और इस डर का बोझ तुम्हारे सारे रिलेशनशिप पर पड़ा है, स्पेशली तुम्हारी लव लाइफ। ये डर से कि वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें पहले हमने छोड़ दिया। डोंट लेट द पास्ट लाइक मी। यप, वेरी राइट। अगर आप खुल के रोएंगे नहीं तो खुल के हंसेंगे कैसे? क्योंकि जो भी आपके दिल में दर्द, किसी के लिए गुस्सा या कुछ भी ऐसा है जो बाहर निकल नहीं पा रहा, जब वो रोने के रूप में बाहर निकल गया तो उसी के बाद तो आप अपनी लाइफ टोटली एंजॉय कर पाएंगे ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टू चूज अ इजी पाथ इज परफेक्टली ओके। जी हाँ, क्योंकि हम जनरली यही मानते हैं कि जो डिफिकल्ट रास्ता है वो इजी रास्ते से अच्छा ही होगा और हमारे लिए बेस्ट ही होगा। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे इजी रास्ता चुनना ही हमारे लिए दी बेस्ट होता है। देखिए कैसे। ओके, मैं तुम्हारे दिल पे नहीं काम करने वाली हूँ। तुम सीरियस नहीं होना चाहती थी, कमिट नहीं करना चाहती थी, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। यू डोंट अंडरस्टैंड? नो, देन गेट आउट। या भैया, तुम्हारा बिग बैड प्रोजेक्ट करने के लिए मैं जॉइन नहीं हूं, बट व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग विद माय पार्टनर, राइट? अमेजिंग रेवोल्यूशन, जस्ट गेट आउट। I know with all these personal issues with Raghu, काम करना मुश्किल है, but ये तुम्हारा बड़ा ब्रेक था। Okay, Jack, कभी-कभी life में हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि important चीज पाने के लिए हमें मुश्किल option choose करना चाहिए, right? लेकिन कभी-कभी easy option choose करना बहुत important होता है, okay? Especially क्योंकि उस वक्त वो हमारे लिए best option होता है, ना? And खासकर के जब हम उस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। आया कुछ समझ में? चलिए तो बात करते हैं हमारे लास्ट हीलिंग पॉइंट की, जो कि हमारी सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है। टू हैव मोर देन वन रिलेशनशिप इज ओके। एक साथ दो या तीन लड़की या लड़के घुमाने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बात कर रही हूँ टू हैव डिफरेंट रिलेशनशिप्स एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक सिबिया हां, तो आई मीन यू आर यंग एंड ब्यूटीफुल वुमन, चाहने वाले तो होंगे। व्हाट डू यू मीन? So my point being, एक कुर्सी चूज करने से पहले अगर हम इतनी सारी कुर्सियां देखते हैं तो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए क्या? So, dirty, cheap, fast, no. Smart, clear, fine, actually. Yes, एक से ज्यादा रिलेशनशिप होने में कुछ भी गलत नहीं है। जैसे कि हम और चीजों के लिए कंफर्ट ढूंढते हैं, जो चीज हमारे लिए कंफर्टेबल होती है उसी को हम चूज करते हैं, उसी तरीके से जो रिलेशनशिप हमारे लिए कंफर्टेबल होगी या फिर जो बंदा हमें टोटली समझेगा, हमारे लिए कंपैटिबल होगा, वही ना हम चूज करेंगे। और चूज करने में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक कंफर्टेबल कुर्सी की तरह एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप का होना भी बहुत जरूरी है। चलिए तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो यहीं पे खत्म, और हमारी नेक्स्ट वीक की मूवी है द अदर सिस्टर। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय।